दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. अभी तक हमने जो स्टडी किया, नाउ व्हाट वी कैन सी इन माइक्रोस्कोपी इज दिस न्यूक्लियस. हमको दिस इज इंटरफेज न्यूक्लियस. जब से इंटरफेज में है तब का है. न्यूक्लियस दोनों सेल्स में पाया जाता है. न्यूक्लियस इज फाउंड इन बोथ सेल्स. न्यूक्लियस इट वॉज गिवन नेम. तो ये कलर चेंज करता है, इसीलिए इसका नाम क्रोमैटिन. एंड इट वॉज गिवन बाय फ्लेमिंग. दिस इज दैट न्यूक्लियस इज इंटरफेस न्यूक्लियस, राइट. के पार्ट आउटर इनर कंटेंट. या फिर न्यूक्लियर मैट्रिक्स. देन देर इज न्यूक्लियोलर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्पेरिकल साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस. एक्टिव सेल्स में ज्यादा होते हैं, अदरवाइज कम दिखेंगे आप लोगों को. देन लास्टली देर इज क्रोमैटिन नेटवर्क. क्रोमैटिन नेटवर्क का दूसरा नाम न्यूक्लियोटीन भी है. न्यूक्लियोप्रोटीन दिस इसका नाम न्यूक्लियो प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन है यहाँ पे पूरा मोस्टली प्रोटीन है. या फिर इसी को हमने क्या बोला है क्रोमैटिन. एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जेनेटिक मटेरियल. एंड इट कंटेन्स डीएनए. व्हाट इज देयर हियर डीएनए है, देन आरएनए एंड देन प्रोटीन. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोटीन हिस्टोन नॉन हिस्टोन. So that was about the nucleus. Now we will study chromosomes. Nucleus के अंदर हमारा genetic material होता है and that genetic material. क्रोमैटिन ही क्या है, मेक इट वेरी क्लियर. डीएनए है एंड डीएनए क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है. नाउ दिस इज क्लियर. ओके, नाउ हम बात कर रहे हैं इंटरफेज. आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरफेज. अभी हमने पढ़ा जब सेल रेस्ट कर रहा है मतलब नॉट डिवाइडिंग, नॉट डिवाइडिंग, राइट. हम लोग बात कर रहे हैं इंटरफेस की. जब सेल रेस्ट कर रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, तो सेल ऐसे दिखेगा आपको. ओके, न्यूक्लियस एंड यहाँ पे आपको दिखेंगे क्रोमोसोम, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन, ठीक है. जेनेटिक मटेरियल वही जेनेटिक मटेरियल, राइट. अब मैं बात कर रही हूँ कि सेल रेस्ट पे नहीं है, सेल काम कर रहा है. और वो भी कौन सा काम कर रहा है, डिवाइड हो रहा है. सेल इज डिवाइडिंग. तो जब सेल डिवाइड होता है ना, सेल जब डिवाइड होता है उसके फोर फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. बट पर्टिकुलरली मैं आई एम टॉकिंग अबाउट मेटाफेज. मैं मेटाफेज की बात इसलिए कर रही हूँ
क्योंकि मेटाफेज में थोड़ा सा क्लियर दिखती है चीज़ें, तो मेटाफेज में आपको क्या दिखेगा, देखो ये सेल है, बट ये सेल जब रेस्ट पे था, डिवाइड नहीं हो रहा था, तो न्यूक्लियस इनसाइड न्यूक्लियस विल सी क्रोमैटिन। अब यही सेल डिवाइड होने जा रहा है, तो इनसाइड न्यूक्लियस यू विल नॉट सी क्रोमैटिन, क्रोमैटिन नहीं दिखेगा आपको, यू विल सी ऐसे, क्रोमैटिन जो है ना वो ऐसे बन गया है, ऐसे स्ट्रक्चर, एंड ऐसे टोटल ह्यूमन सेल में अगर हम देखेंगे तो 46 दिखेंगे, एंड दीज आर कॉल्ड एज क्रोमोसोम। तो सेल जब रेस्ट पे है तो क्या दिखेगा इनसाइड द न्यूक्लियस, यू विल सी क्रोमैटिन, बट व्हेन सेल इज डिवाइडिंग यू विल सी क्रोमोसोम। ऑब्वियसली क्रोमोसोम कैसे बने, क्रोमैटिन से ही बने, तो क्रोमैटिन अगर जेनेटिक मटेरियल है तो क्रोमोसोम भी क्या है, जेनेटिक मटेरियल ही है हमारा। एंड हाउ मेनी क्रोमोसोम, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स, देर आर टोटल 46 रहेंगे और 23 पेयर, ओके, ऐसे पेयर दिखेंगे आपको, 23 पेयर एंड 46 क्रोमोसोम्स। नाउ ये तो हमने कब देखा, दिस वी कैन सी इन इंटरफेस, इंटरफेस में हमको ऐसे दिखता है। एंड ये जो क्रोमोसोम्स है ना, क्लियर क्रोमोसोम्स, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये चार फेजेस होती है सेल डिवीजन के, सारे फेजेस में दिखते हैं, बट मेटाफेज में ज़्यादा क्लियर दिखते हैं क्रोमोसोम्स, ओके। सो मेक इट वेरी क्लियर, क्रोमैटिन नेटवर्क यू विल सी इन इंटरफेज एंड क्रोमोसोम्स यू विल सी इन मेटाफेज, मतलब सेल डिवीजन जब होगा तब आपको क्या दिखेगा, क्रोमोसोम। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा, दैट इज सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन की मैं अगर बात कर रही हूँ तो वहाँ पे हम लोग वी विल बी टॉकिंग ऑब्वियसली अबाउट क्रोमोसोम। तो नेक्स्ट चैप्टर में हमको किसके बारे में ज़्यादा पढ़ना है, क्रोमोसोम्स, ऑल्दो क्रोमैटिन विल बी देयर, बट क्रोमोसोम्स का मेंशन ज़्यादा रहेगा, बिकॉज चैप्टर का नाम क्या है, सेल डिवीजन, एंड क्रोमोसोम्स आर सीन इन सेल डिवीजन, व्हेन सेल इज डिवाइडिंग वी सी क्रोमोसोम्स, राइट। तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्रोमोसोम्स तो हमको पता चल गए कहाँ है, दिस इज सेल, दिस इज न्यूक्लियस, इनसाइड न्यूक्लियस देर आर क्रोमोसोम्स, बट व्हेन, कब, व्हेन सेल इज डिवाइडिंग, व्हेन सेल इज इन मेटाफेज, वी नो नाउ कि इनसाइड न्यूक्लियस देर आर क्रोमोसोम्स, 46 क्रोमोसोम्स आर देयर, 23 पेयर्स आर देयर, बट लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम। ये जो क्रोमोसोम है ना, इसको डिटेल में देखते हैं कि हाउ इट लुक्स। नाउ लेट अस सी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स हमने देखे, देर आर हाउ मेनी क्रोमोसोम्स, देर आर 46 क्रोमोसोम्स, एंड हाउ मेनी पेयर्स आर देयर, पेयर्स कितनी होती है, 23 पेयर्स आर देयर। नाउ लेट अस सी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, एक एक क्रोमोसोम को हम स्टडी करते हैं। तो वन क्रोमोसोम लुक्स लाइक दिस, ऐसे दिखेगा आपको, देखो ये एक पार्ट है इसका, इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड, ओके, एंड ये एक पार्ट है, दिस इज ऑल्सो सिस्टर क्रोमैटिड। तो क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ कितने सिस्टर क्रोमैटिड, दिस इज वन, दिस इज टू, क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड, दैट इज। नाउ ये जो दो सिस्टर क्रोमैटिड है, इनको ज्वाइन किया है, एक स्ट्रक्चर है जिसने इनको ऐसे कंस्ट्रिक्ट कर दिया है, पास में ज्वाइन कर दिया, ये यहाँ पे दूर दूर है, सेंटर में कर दिया। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर, मोस्टली ये जो है ये सेंटर में होता है, बट कभी कभी ये जो स्ट्रक्चर है इधर भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है, दैट वी विल सी लेटर। बट टू सिस्टर क्रोमैटिड आर जॉइंड बाय सेंट्रोमियर, तो सिस्टर क्रोमैटिड इज माय फर्स्ट लेबलिंग, सेंट्रोमियर इज माय सेकेंड। नाउ जब सेल डिवाइड होता है ना, तो ये सिस्टर क्रोमैटिड इस तरफ सेपरेट हो जाती है, एंड ये सिस्टर क्रोमैटिड इस तरफ सेपरेट हो जाता है, तो मतलब ये क्रोमोसोम के दो पार्ट्स हो जाते हैं, ओके। तो वो दो पार्ट कौन करेगा, तो ये सेंट्रोमियर के ऊपर एक कैप होता है, ओके,
cap. There is a cap-like structure on the centromere. That cap is called as kinetochore. Okay? Kinetochore. What is kinetochore? A cap-like structure on centromere. अब इसका रोल क्या है? तो हमने cilia flagella के बाद centriole. टाइम मैंने बताया कि फाइबर, स्पिंडल फाइबर, सेल डिवीजन केवल centriole जो है वो स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं. तो सपोज दिस इज सेंट्रियोल और इससे स्पिंडल फाइबर्स बनाए, ये स्पिंडल फाइबर्स है. ओके, स्पिंडल. तो ये स्पिंडल फाइबर्स देखो कहाँ अटैच हो गए, दे अटैच टू काइनेटोकोर. सेल डिवीजन के बाद सेपरेट हो जाएगी. कौन सेपरेट करेगा इनको? स्पिंडल फाइबर. और स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट देखो कहाँ हुआ है, काइनेटोकोर. तो काइनेटोकोर क्या है? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ किसका? स्पिंडल फाइबर. क्योंकि स्पिंडल फाइबर भी ये क्रोमोसोम को दो टुकड़ों में, दो पार्ट में डिवाइड करने वाली है. ये दोनों सेपरेट होने वाले हैं. ओके, एंड स्पिंडल फाइबर इसको इधर खींचेगा उस तरफ से और स्पिंडल फाइबर आएंगे, दे विल अटैच टू काइनेटोकोर एंड ये वाला पार्ट इधर जाएगा, ये वाला पार्ट इधर जाएगा. इस तरीके से सेल डिवाइड होने वाला है, दैट वी विल सी. बट यू हैव टू रिमेंबर थ्री लेवलिंग, सिस्टर क्रोमैटिड, टू सिस्टर क्रोमैटिड, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर जॉइनिंग पार्ट ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड. ओके, एंड काइनेटोकोर क्या है? कैप लाइक स्ट्रक्चर ऑन सेंट्रोमियर. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है. नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम डिपेंडिंग ऑन द सेंट्रोमियर का पोजिशन. कभी ये और ऊपर रहा, ऊपर रहता है, इस तरफ रहता है. सो डिपेंडिंग ऑन दैट देर आर टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, बट मोस्ट कॉमन क्रोमोसोम इज दिस. सेंट्रोमियर हमेशा सेंटर में रहेगा, बट कभी कभी हो सकता है सेंट्रोमियर का. डिपेंडिंग ऑन दैट लेट अस सी टाइप्स ऑफ. नाउ लेट अस सी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम. हमने देखा कि बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर अलग अलग टाइप्स होते हैं क्रोमोसोम के. नाउ सी दिस क्रोमोसोम, जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर. हाउ इज दिस सेंट्रोमियर? कहाँ पे है? सेंटर में है, राइट? एंड ये जो आर्म्स है इनको बोलते हैं आर्म्स. तो आर्म्स इक्वल है, राइट? आर्म्स का लेंथ जो है इक्वल लेंथ, राइट? ये जो आर्म्स है वो इक्वल लेंथ के, राइट? सो दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज मेटासेंट्रिक. ओके, मेटासेंट्रिक. ठीक है, नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्रोमोसोम को देखो. थोड़ा सा ये जो सेंट्रोमियर मिडल में नहीं है, थोड़ा सा ऊपर गया है, राइट? एंड दीज आर्म, ये जो आर्म है ये लॉन्ग है, लॉन्ग आर्म, एंड दिस इज शॉर्ट आर्म. ये देखो ये शॉर्ट है और ये लॉन्ग है, क्योंकि सेंट्रोमियर थोड़ा ऊपर है, ऊपर की तरफ है. दिस इज मेटासेंट्रिक. एग्जैक्टली जब सेंटर में रहेगा तो इट इज कॉल्ड एज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. And this is called as sub-metacentric chromosome. Okay, and when centromere is at the towards the end ki, that chromosome is called acromatic, because acro means end ki taraf ja raha hai. And one arm is shorter, and when jo centromere hai, ओके, पोजीशन है सेंट्रोमियर की, इट इज कॉल्ड एज टर्मिनल. टर्मिनल मतलब एंड पे है ये. दैट क्रोमोसोम इज कॉल्ड टीलोसेंट्रिक, क्योंकि टीलो मीन्स स्टिक. सो फोर टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम वी हैव सीन. सेंटर में अगर सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर इज इन द सेंटर, क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज मेटासेंट्रिक. बोथ आर्म्स आर इक्वल. सब मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर थोड़ा ऊपर है, वन आर्म लॉन्ग, वन आर्म शॉर्ट. सेंट्रोमियर
एंड की तरफ जा रहा है, वन आर्म लॉन्गर, आर्म्स आर लॉन्गर, टू आर्म्स आर शॉर्टर एंड टीलोसेंट्रिक, मतलब सेंट्रल लॉन्गर जो है वो एकदम टिप में चला गया है. समटाइम्स ये जो टीलोसेंट्रिक क्रोमोजोम है, ये जो दो आर्म्स है ओवरलैप भी हो जाते हैं, समटाइम्स ऐसे भी नहीं दिखेंगे आपको. तो टीलोसेंट्रिक, जैसे जैसे पोजिशन ऊपर ऊपर जा रहा है सेंट्रोमियर का, वैसे वैसे इस क्रोमोजोम का नाम चेंज हो रहा है. मिडल में है तो मेटासेंट्रिक, थोड़ा ऊपर है तो सब मेटासेंट्रिक, एंड पे है तो एक्रोसेंट्रिक, टिप पे. सी, दिस इज ऑन द एंड एंड दिस इज ऑन द टिप, बिल्कुल मार्जिन पे है तो टीलोसेंट्रिक. वन मोर, हमने अभी क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर देखा था. तो क्रोमोजोम इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स, राइट? वी ऑल नो क्रोमोजोम आर मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स. दिस इज सेंट्रोमियर और एक कैप स्ट्रक्चर. सेंट्रोमियर को प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं. सेंट्रोमियर इज कॉल्ड एज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन. कंस्ट्रिक्शन का मतलब है ज्वाइन करना. ओके, सेंट्रोमियर क्या कर रहा है? दो क्रोमेटिड्स को ज्वाइन कर रहा है, राइट? तो इसको बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन. कोई कोई क्रोमोजोम में यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन होता है एंड दैट इज कॉल्ड एज सैटेलाइट और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन. ओके, सैटेलाइट और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, और प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन यहाँ रहेगा और एंड में है तो क्या? फ्यू क्रोमोजोम विल कंटेन प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन दोनों रहेगा, इसको सैटेलाइट बोलते हैं. तो प्राइमरी इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर. सो दिस वॉज द एंड ऑफ चैप्टर. सारे डायग्राम्स आप लोगों को ड्रॉ करने हैं. सो इन दिस चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, वी हैव सीन टू टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक में हमने प्लांट सेल एंड एनिमल सेल देखा, राइट? सो व्हाट वी विल डू, आई विल हैव अ बोर्ड टेस्ट टुमारो बिफोर स्टार्टिंग विथ नेक्स्ट चैप्टर. जो सेल डिविजन है जिसमें हमको सब ये क्रोमोजोम्स एंड ऑल स्टडी करना है, बिफोर स्टार्टिंग दैट आई विल गिव अ बोर्ड टेस्ट हियर. यू हैव टू राइट, हम लोग कंपेयर करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल को. सारे लेबलिंग्स प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बोर्ड पे आई विल ड्रॉ, आई विल लीव अ ब्लैंक एंड यू हैव टू राइट. जैसे बोर्ड टेस्ट यहाँ पे आके फिजिकल क्लास होगी तो आप यहाँ के आके लेबलिंग लिखते, तो आपको अभी घर पे ही एज अ होमवर्क करना है. आई विल ड्रॉ बोथ द सेल्स, आई विल कीप लेबलिंग ब्लैंक और आपको लेबलिंग्स लिखना है. तो दैट विल बी कॉल्ड एज बोर्ड टेस्ट. एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट चैप्टर.